प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू सब कुछ ऑनलाइन। आज हम आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स सेकंड पार्ट में वर्ड पैड के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाके हमने वर्ड पैड को ओपन किया है। अब हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, कृपया करके सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। तो बच्चों, नोटपैड और वर्ड पैड के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके अंदर टेक्स्ट के पीछे हम वगैरह कलर वगैरह पिक्चर को, मतलब पिक्चर कोई भी पिक्चर हम अपनी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर ऐड कर सकते हैं, या फिर एडिटिंग की थोड़ी सी मतलब वो दी गई है इसके अंदर, थोड़ा सा एडिटिंग फालतू दिया गया है। नोटपैड के अंदर हम केवल टेक्स्ट पे काम कर सकते थे, इसमें हम पिक्चर वगैरह मतलब ऐड कर सकते हैं, कलर वगैरह टेक्स्ट हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा वेलकम टू सब कुछ ऑनलाइन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हमने ये लिख लिया है। अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेव, न्यू, तो हमने न्यू डॉक्यूमेंट ले रखा है। सेव पे क्लिक करके हम नोटपैड में, हमने आपको बताया था कि किसी भी फाइल को हम सेव कर सकते हैं। हम नाम दे देते हैं फाइल का सब कुछ ऑनलाइन, और यहाँ से डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। दूसरा, इसके नीचे सेम नोटपैड में जैसे बताया था उसी तरह सेव एज हो गया। ये हमारे को ये नहीं देखना है, यहाँ हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट सेव एज पे क्लिक करेंगे। हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसके अंदर हम सब कुछ ऑनलाइन, पहली फाइल का नाम दिया था इसका सब कुछ ऑनलाइन 2 कर देते हैं, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। दोनों फाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। प्रिंट के बारे में हमने नोटपैड में आपको बताया था, यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं हम, जो भी प्रिंटर हमने ऐड किया हुआ है उससे। पेज सेटअप सेम वही पोजिशन रहेगी पेज सेटअप की, जो नोटपैड में आपको बताया था सेम उसी तरह से हम पेज को सेटअप कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ये डाटा हमने सेलेक्ट कर रखा था, इसको हमने कट पे क्लिक किया, ये कट हो गया। यहाँ से पेस्ट किया, ये दोबारा से मतलब पेस्ट हो गया। कॉपी में हम इसको कॉपी कर लिया है। अब नीचे जाके यहाँ पे अगर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉपी में हमारा पहले वाला डाटा भी रह जाता है और दूसरा भी अलग से आ जाता है, कट में पहले वाला कट जाता है। यहाँ से हम लिखे हुए टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके का, अच्छा जो आपको लगे वो। यहाँ से बोल्ड कर बी पे क्लिक किया, बोल्ड हो गया, आई पे इटैलिक तिरछे हो गए अक्षर, अंडरलाइन हो गए, यहाँ से मतलब बीच में अपने लिखे हुए टेक्स्ट के बीच में मतलब क्रॉस आ गया। और ये आगे एक्स वाला निशान से हम पावर देना, अपर पावर लोअर पावर वगैरह दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड कलर, इस पर हम येलो कलर बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके आगे है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर को हमने रेड सेलेक्ट किया है, यहाँ से हम टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इटालिक और ये हटा देते हैं कुछ। इसके बाद आगे है, इसको हम टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट साइज, यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट भी, मतलब इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सामने ये निशान दिखाई दे रहे हैं आपको, इससे छोटा बड़ा टेक्स्ट को हम कर सकते हैं। ये हो गया। आगे स्पेस देने के लिए हमें इस साइड से कितना आगे की ओर स्पेस देना है इसको, यहाँ से हम वापस हटा सकते हैं। और आगे है नंबरिंग वगैरह, डॉट वगैरह अपने टेक्स्ट के आगे लगाना हो तो यहाँ से हम लगा सकते हैं, मतलब ए बी सी डी इस तरह से इंटर करते जाएंगे तो आगे ए बी सी ऐसे इंटर होता रहेगा। आगे है लाइन स्पेसिंग, इसके अंदर हम लाइन दोनों लाइनों के बीच का स्पेस कम कर सकते हैं, हमारे लिखे हुए टेक्स्ट का स्पेस बीच में बढ़ा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से हम इस लाइनों के बीच का स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसके अंदर हम पैराग्राफ है जो हम लिख रहे हैं उसके अंदर लेफ्ट साइड से कितनी जगह छोड़नी है, कितने सेंटीमीटर, राइट से कितना, फर्स्ट लाइन में कितना, इसके लिए है। आगे यहाँ पिक्चर में हम यहाँ से कोई भी पिक्चर है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ हमने पिक्चर पे क्लिक किया, हम किसी भी पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ से हम एक बच्चे की फ़ोटो ले लेते हैं। ये देखो यहाँ हमारी ये पिक्चर आ गई। नोटपैड और वर्ड पैड में कुछ खास अंतर नहीं है, बस ये अंतर है भी यहाँ पिक्चर वगैरह एडिटिंग वगैरह टेक्स्ट कलर वगैरह ये हम कर सकते हैं। यहाँ हमारी पिक्चर हमने ऐड कर दी है, कॉर्नर से हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये आ गया नेक्स्ट ऑप्शन पेंटिंग, यहाँ पेंटिंग में ओपन हो गया। पेंटिंग में हम कोई भी डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट पेंटिंग में जा सकते हैं। बस ये बताना चाहते हैं डेट टाइम सेम वही है नोटपैड में जो बताया था किस तरीके का हमें डेट टाइम ऐड करना है। हमारा यहाँ डेट टाइम देखिए 11 मई 2020 ऐड हो चुका है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट ये देखिए एक्सेल बाइनरी शीट वगैरह हम ले सकते हैं। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल चुका है, इसके अंदर जो भी हम इंटर करेंगे जितने ही मतलब कॉलम के अंदर वो हमारा वहाँ पे इंटर हो जाएगा। यहाँ से हमने कट किया, देखिए दो कॉलम में हमने एंट्री डाली है तो दोनों ही दोनों कॉलम यहाँ आ गए। ये कोने से छोटा बड़ा मतलब जैसे ही हम क्लिक करके खींचेंगे छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है फाइंड, फाइंड का वो ही सेम कॉलम है, हम किसी को सर्च करना चाहते हैं फाइंड पे क्लिक करेंगे। ये आ गया नेक्स्ट कॉलम रिप्लेस, रिप्लेस में हम डालते हैं सब, फाइंड बॉटम में सब, रिप्लेस विद आल, सब की जगह आल हो जाएगा। रिप्लेस आल पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आल हो गया, सब कुछ ऑनलाइन था आल कुछ ऑनलाइन हो गया। ये देखिए यहाँ से आल कुछ ऑनलाइन, और ऊपर उधर भी देखिए आप ऊपर हमने सब कुछ ऑनलाइन डाला था, यहाँ पे भी आल कुछ ऑनलाइन हो गया मतलब रिप्लेस कर दिया हमने। नेक्स्ट है सेलेक्ट आल, यहाँ से सारा डाटा सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल ए भी यूज कर सकते हैं हम सेलेक्ट आल के लिए, शॉर्टकट कीज है। आगे चलते हैं हम होम टैब के बाद हमारा आता है व्यू, व्यू में ये देखिए रूलर, हमारे माउस के मतलब उस एरो पे आप ध्यान रखिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ये देखिए रूलर बार यहाँ से हट जाता है आ जाता है, स्टेटस बार नीचे, यहाँ से स्टेटस बार पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हट गया ये, अब यहाँ से आ गया। आगे नेक्स्ट हम यहाँ से हमारे पेज को जूम जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से जूम इन कर सकते हैं जहाँ में देखने में मतलब जिससे आसानी हो। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया वर्ड रैप, वर्ड रैप का सेम वही ऑप्शन है जो हमारी विंडो से बाहर जाता हुआ टेक्स्ट नीचे आ जाएगा, वर्ड रैप पे क्लिक किया ये देखिए ये विंडो मतलब आगे रूलर बार है अपना ऊपर, इससे मतलब क्रॉस नहीं करेगा आगे। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं मेजरमेंट यूनिट, ऊपर इंचज में आ गया या सेंटीमीटर में आ गया, अभी 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से पॉइंट्स वगैरह में हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम रूलर बार के मतलब मेजरमेंट का तरीका बदल सकते हैं, अभी हमें इंचज में देखना है सेंटीमीटर में देखना है। हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को हमने सेव कर दिया, अब हमें जो ये एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ से हम किए हुए काम को वापस जा सकते हैं और हटाए गए काम को यहाँ से हम वापस ला सकते हैं। अब लगभग हमारी वर्ड पैड का काम हमने कर दिया है, यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं या फिर यहाँ कोने में जाके ऊपर एग्जिट, ये है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज यहाँ से मिनिमाइज हो गया, माइनस के निशान से मिनिमाइज, बीच में मैक्सिमाइज कर देते हैं, यहाँ से हम कट करके यहाँ हमारा डाटा सेव किया और एग्जिट हो गए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।